हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम। मौसम आंटी गिर गई क्या? अरे बर्तन गिरे, कोई नहीं। तो फिलहाल यशी भानु जा चुके हैं हेयर वॉश कराने के लिए। मुझे भी हेयर कट कराने के लिए जाना था, लेकिन मैं अभी दिल्ली का जो इवेंट आएगा उससे एक दिन पहले ही कराऊंगा, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कटिंग कराए टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ के बाल फटाफट बढ़ जाते हैं मेरे। फिलहाल जो कल काम रह गया था मेरा BMW का टायर पंक्चर ठीक कराने का, वो ठीक करा के आता हूँ मैं सबसे पहले। तो उसके बाद जाऊँगा घर का काम भी देख कर आऊँगा, कुछ उधर भी डिस्कशंस वगैरह करने वो भी करके आऊँगा। चलो, ये तो सो रही है पार्टी आराम से। अरे ये लोग तो आ भी गए, बड़ी जल्दी आए। मैं इसका पंक्चर ठीक करवाने जा रहा हूँ। अच्छा, ओके दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं शॉप पर अपना टायर ठीक करवाने के लिए। मुझे पहले लग रहा था आगे वाले टायर में भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन नहीं है, सिर्फ इसी टायर में। ये देखो दोस्तों, कील घुसी हुई है इसके अंदर। इतनी बड़ी कील, मैंने पहले नॉर्मल हवा भरवाई थी, अब मैं सबकी हवा निकलवा के इसके सबके अंदर नाइट्रोजन भरवा रहा हूँ। और ये तो हमारा सही हो चुका है। चीज़ बताऊँ, मैंने चारों टायर के अंदर नाइट्रोजन भरवाई। अब जैसे ना अपन पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उन पर नाइट्रोजन लिखा हुआ होता है, बट वो एक्चुअल में नाइट्रोजन होती ही नहीं है, वो नॉर्मल हवा भर रहे होते हैं, कसम से बता रहा हूँ। क्योंकि इतना टाइम मुझे पहली बार लगा है हवा भरने के अंदर, और 200 रुपये लगे हवा भरवाने के चारों टायर में। तो उन भैया को मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या सीन है? तो उन्होंने समझाया कि भैया आप खुद देख लो, मशीन सेम लगी हुई रहती है, अब कितना टाइम लगता है उसको बनने के अंदर खुद देख लो आप। तो मैं यार, मैंने कहा सही बात है, तो मैं तो नाइट्रोजन भरवा के जाऊँगा दुकान पर सही वाली, एयर पेट्रोल पंप वाले तो पागल बना देते हैं। पहुँच चुके हैं घर पे, काम का अपडेट लेते हैं। यार बहुत स्लो कर रहा है काम, यार नीचे आ गया क्या? पूरा काम चल रहा है, फुल स्पीड में काम चल रहा है। मम्मी तो सो रही होंगी शायद अभी। हाँ, तो अपन ऊपर काम देख लेते हैं, उनसे बात करेंगे। गाइस, ये सकड़ा रास्ता इन्होंने बना रखा है, इसके नीचे से हमें निकलना है। ओ, ये टास्क बना दिया, बाप रे। यार भाई साहब हंस क्यों रहे हो यार मुझ पे? अरे यार, हर जगह लगा रखा है सेटअप। और माता जी क्या हो रहा है? बस बैठे, फ्री बैठे, आज कोई काम नहीं है खाने पीने का, पापा भी नहीं, भैया भी नहीं। अच्छा, वो जोधपुर गए? हाँ, दोनों जोधपुर गए। एकदम ही फ्री बैठी हो? एकदम फ्री बैठी। मेरे दिन में तो पोहे बना के खा लिए, अब सोच रही हूँ क्या बना के खाऊं। मेरे कोई खाना बताए, एक डेढ़ बजे मंगा दो, अभी शाम के लिए कुछ मंगा के खिला देता हूँ। हाँ तो तुम मंगा दी, कुछ क्या खाओगी? जो वो मजनू परेशान नहीं हो रहा आज उनके बिना, सबके बिना ही? नहीं तो मैं इसको, ये कीर्ति आई है, जब गेट खोला नहीं, मैं तो लेके अंदर ही थी, उसको अंदर थी तो अंदर ही सोता रहता है, अंदर ही पड़ा रहता है। गाइस, आपको मैं दिखाना चाहती हूँ दिव्यांशी का लुक एज ए भूआ। दिखाओ दिव्यांशी। माता रानी कसम, झूठ तो क्यों ही बोलूं। गाइज, ये एक भूआ बनी है, और ये मेरी लुक की जो MUA मेकअप आर्टिस्ट है, वो ये है, वो मैं हूँ। मैं मुआ नहीं बनी हूँ, जस्ट अभी मैं भूआ बनी हूँ, और ये मुआ बनी है। हम लोग एक कंटेंट शूट कर रहे थे, उसके लिए हमें दिव्यांशी को बना था भूआ, तो हमने फुल इसके देखो ये मांग वांग भर के ये इसको सोना वोना पहनाए, फुल भूआ बना दिया है। लो भूआ जी, जाओ यार, आप लाओ यार, आप जाती हुई अच्छी लगती हो। गाइस, ये ड्रेस जो मैंने पहनी है ना, जो लोग हमें, मतलब पहले हम लोग बहुत पहले जब वीडियोस बनाते थे, मैंने तब एक बार इसको पहना था, और आज मैंने पहना था, सालों पुरानी ड्रेस, ऑलमोस्ट लाइक 3 या 4 साल हो गए होंगे, डिट्टो वैसी की वैसी, मस्त फिट आ रही है, खुशी की बात। अभी दोस्तों 2.5 घंटे से ज़्यादा डिस्कशन हुआ है ऊपर सारे सब चीज़ों का फाइनल करने का, क्योंकि क्या है मैं अभी आई नहीं पा रहा हूँ, कंटिन्यू ट्रैवलिंग वगैरह चल रही है, टाइम सेट नहीं हो पा रहा है, कब मिलना है कब नहीं मिलना है, इस चक्कर में आज मैंने बहुत सारी चीज़ें फाइनल करी ऊपर की, ताकि ऊपर के रूम्स और ऊपर का फ्लोर पूरा जल्दी से फाइनल हो जाए। काम नीचे करने के लिए नीचे तो स्टार्ट हो चुका है, ऊपर का बिल्कुल फाइनल टच जो देना है वो सबका काम चल रहा है अब, तो उसमें सिलेक्शन बहुत सारे थे, बहुत डिस्कशन और वो सब होकर फाइनल कर दिया है। थोड़ा सा टाइम और हो गए फाइनल सारे? हाँ, ऊपर के तो हो गए, अभी परसों वापस आऊँगा, फिर परसों बाकी का और सब कुछ फाइनल करूँगा, फिर नीचे का फ्लोर रह जाएगा, सो समझ गए, फिर नीचे के सिर्फ एक किचन और एक रूम रह जाएगा, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। ठीक है, अब 2-4 दिन में आपको ये रूम खाली करना पड़ेगा, उधर साइड शिफ्ट होना पड़ेगा गेस्ट रूम में, फिर इधर रूम का भी काम चालू हो जाएगा। धड़ 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 धड़। आपको नींद कैसे आती है? खटक खटक खटक, आदत पड़ गई आपको? कहाँ जाएगा बेटा, दिन वो और होती है, अब तब भी है ना, ये हथौड़ी चलाते तब भी इतनी ज्यादा नहीं चुपती, और जिस पे ड्रिल मशीन चलाते हैं ना, इस पे फिलाई लगी, इस पे 3 दिन तक तो मेरी हालत ही खराब हो गई। यार ये वाली दिक्कत होती है कि भाई ड्रिल मशीन और ये सब चलता है, ड्रिल मशीन चलती तो ऐसे लगती थी काम होते हुए घर में ना रुकना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा। अरे ये बैग और पर्स यहां क्यों है? अरे वीडियो बना रहे थे वो दिव्यांशी। अच्छा, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चाय बना रही है? हाँ, मिर्ची वाली चाय, देख इसमें मिर्ची भी है, अदरक तो डाल देती है, अदरक भी है इसमें। कर क्या रहे हो, बना क्या रहे हो? हम सावन के लिए एक स्नैक बना रहे हैं। बना दे, भूख भी लग रही है मुझे। तू घर पे गया तो कुछ खाया नहीं? और यार सर घूम गए मेरे तो। क्यों? अरे फाइनलाइज कर देना चीजें यार, सच में उसमें तो बहुत सर खपता है, तेजी में कमासान हो जाता, बच गए तेजी। कहाँ गया हो? गए वो घर, गए घर। मतलब अब थोड़ा सा 2-3 दिन साथ में रुक लिया ना,
अब उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन की जरूरत। नहीं नहीं हितेश भाई ने तो एक्चुअली सबको बुलाया था, प्रशांत सर को बोला, टिबिया को बोला, टिबू भैया तो किसी चीज में बिजी है और सर की क्लास चल रही है, सर की तो क्लास ही चलेगी ना। तो लेट आ जाते सर तो मना कर दिए सर, दीदी पढ़ूंगा, तो कहने का चलो कोई बात। अरे गाइस जैसे जैसे बड़े हो रहे ना सारे दोस्त बिजी होते जा रहे हैं। क्या लगा? लग गई। अरे यार पागल सी धीरे कर, कैसे कैसे डाला तुम लोगों ने? अरे पता नहीं है, वो एकदम से हो गया खुद से ही। अरे वो फट गया, वो साबुदाना है ना। हाँ जो भी दूर रहना चाहिए था, उससे दूर रहना मतलब अपन को। जल्दी समझ आ गया, मत बनाया करो रे तुम खाना पीना है। अरे वो साबुदाना है, सूरज लाल हो गया तो पता है, जब हो जाता है तो दूर रहा करना इन चीजों से। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पागल सी कभी कभी तो आती हूँ रसोई में। ठीक नहीं है मामला मेरा और रसोई का, बस उसको बात नहीं, छोड़ दे छोड़ दे। निशान हो गया गले पे हैं, देखो तो लाल लाल हुआ है, वो तो ठीक हो जाएगा। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छा है फेस पे नहीं आया, मैं फेस पीछे कर ली फट से। कोई बात नहीं यार, हो जाता है कभी कभी। तो अपनी जान पे खेल के मैंने तेरे लिए बनाया है पीफा प्रशांत सर। नहीं नहीं इतना रिस्क मत लेगा। अरे खाना खाना खाना, बने टेस्टी है, बता रही हूँ बहुत। इसमें मेरी दो फेवरेट चीजें, पहला साबुदाना और दूसरा आलू। क्या है यार, मिकुड़ी को तो बहुत टेस्टी लगे। अब जो वो होता है ना उसका व्रत का खाना, डिट्टो ऐसा लग रहा है। मुझे व्रत का खाना बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद, तेरी पसंद के बने। चल का खाना पड़ेगा सबको। सच में अच्छे लगे तुझे? ठीक है, व्रत का खाना ऐसा ही होता है यार। वो जला वाला खा लेती हूँ। हटना गले में, दिखा तेरी कुछ हुआ थोड़ी। वो ज्यादा गर्म नहीं था तेल, उंगली तो जल गई। फट रहा है तेल, उछल रहा। कितने खुशी से बता रही है, चिगला चिगला है, चिगला चिगला। पता नहीं क्या बना दी इसके लिए, इतना रिस्क ले रहे थे तुम। आश्चर्य मत करो साले, जानती हूँ पहले आता था मैंने ये वाला, ये शिव वाला। ये बढ़िया है दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी। सॉरी, और साथ में सूरज को भी। आओ, पहले तो मेरे यहाँ पे प्रॉपर जेल्स चुका है, प्रॉपर जल चुका है। और पता है क्या हुआ था, मैं उसके पहले से मुंह करके खड़ी थी, फट से आया मेरे, सबसे बड़ा रिफ्लेक्स पता क्या था, मैंने इधर किया मुंह, नहीं तो सीधा ही हुआ था मुंह पे। किसने की लव बाइट? वैसे ही निशान लग रहा है। हाँ सच में वैसे लग रहा है, वो दो ऐसे तेल के छींटे पड़े हुए। देख ध्यान से, मैंने कोलगेट लगाया था, हटा दिया, अभी बाल खोले। बच गई अगर फीस इस पे हो जाता ना तो टेंशन के मारे आज। टेंशन के मारे नहीं, मैं सीधा रोती। हाँ सीधा रोती, कुछ भी नहीं, रोना चालू। ओ भयंकर यार, मैं कुछ भी वो कर सकती हूँ, मेरे फेस पे कुछ उतरा मैं पागल हो जाती हूँ। आज ही बालू मुझे कह रहा था, दीदी आपका फेस पतला लग रहा है। लगना है ना, देख लो, खुद ही बोल रही थी ये। नहीं मुझे लगा ऐसा, पता नहीं क्यों, पता नहीं तेरे को लग रहा, तेरे को लग रहा नहीं। जब से हम दिल्ली गए ना तब से अभी तक जिम नहीं जा पाए दोस्तों, सच बता रही हूँ, इतना गंदा गिल्ट है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, आज मैं सोचा था कि आज शाम को जाऊंगा ही जाऊंगा, एनी हाउ उधर इतना देर लग गई, भूखे प्यासे वो सर बनना गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अब छोड़ो रे यार, कोई बात नहीं, अब वापस से कल का, कल परसों एक दो दिन की बात है, फिर वापस से तीन दिन के लिए बाहर। वही चीज 3 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं हम। क्या लेने जा रहे हो वो बताया तेरे को? ठीक है तो पूछ लूंगा मैं। ये तो पूछ ही लेगा दोस्तों, पता है चंट बताइए अपन ने, ये बात बताई ना, ब्लॉग में नहीं बताया अपन ने। अच्छा सुरो, अब इन लोगों ने कैसे पता लगवा लिया था पहले पीछे, इन लोगों ने सिर्फ इसने, इसने हाँ तो पता तो लगवाया भाई, इसके खबरी हर जगह पे है। इन सबको पता है क्या फील लग रहा है कि 3 दिन के लिए गए, कभी तो लंबा नहीं जाते ये लोग, मैक्सिमम दूसरे दिन तो आ ही जाते हैं, तीसरे दिन है तो कुछ तो गड़बड़ है। अरे मेरे को तो पहले से शक था, जाने से पहले से, क्योंकि यार ये टिकट विकेट कुछ भी नहीं करवाते आने की, नहीं तो हमेशा आने की टिकट पहले करवाते हैं। आपकी मैं आपसे पूछा भी था, नहीं नहीं आ जाएंगे यार, वो देख लेंगे वहाँ अपने हिसाब से। मतलब गाड़ी क्यों नहीं लेके जा रहे यार, वो होटल वो इवेंट वाले गाड़ी देंगे बढ़िया, उनकी गाड़ी में घूमेंगे। बात तो सही है, उसमें तो कोई गलत नहीं था ना, तुम लेकिन तुम शक्की साला उधर करते हो। बता तो सही से कैसे पता लगवाया? पता है क्या सीन है, इसने ना इसका तेरा फ्रेंड BMW में ना, तो इसने क्या करा है, हम लोग जिस दिन इसको शक हो ना, बोले तीसरा दिन है आज, आए नहीं और आएंगे शाम तक आएंगे, बोल नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा कहाँ फ्लाइट क्या, कुछ टाइमिंग नहीं बता रहे। इसका फ्रेंड एक BMW में, वहां इसने फोन करा, बोले यार तेरे तो जानकार होंगे ना फ्यूजन कार वाले, उनको कॉल करे एक बार,
उनसे पूछा आज कोई डिलीवरी है क्या, तो उसने फोन कर दिया वहाँ पे, तो उधर से पता चल गया कि आज कोई डिलीवरी है और BMW की डिलीवरी है, X5 की डिलीवरी है। मतलब पूछा भी X5 की डिलीवरी है। हाँ। तो X5 होते ही तो भानु क्लियर, भानु उसका सिस्टम पूरा क्लियर, क्या हो यार आज गाड़ी। और फिर नहीं दीदी से मैं टाइम पूछा, दीदी कितने बजे आएगी फ्लाइट, दीदी टाइम ही नहीं बता रही, अभी इवेंट में हूँ अभी आऊँ, झूठ बोले जा रही। फिर मैं समझ गया तो गाड़ी से ही आएंगे। और फिर ये सर का फोन आया, कहा है फ्लैट, मतलब हाँ मैं भी आ रहा हूँ, सूरज ने बुलाया कोई वीडियो बनाने के लिए। मीकू बोली कि भैया ने बोला 5 बजे रेडी रहना, वीडियो बनाएंगे, मतलब ठीक है। फिर हितेश भी आए, फिर बोले किया लेंगे, वो बोल रही है यार इनके पेट में कुछ पता नहीं, हितेश जी का सारा सरप्राइज हमारा खराब हो गया, देखना उनका भी क्या, वैसे कौन सा अपन बचा पाए भाई। यार अपनी इस टीम के लिए पता क्या, अगर इनको सरप्राइज देना तो पता कैसे देना पड़ेगा, अपन सब यहीं रहेंगे, कोई थर्ड पर्सन जाए नया दोस्त बनाए जो जाए, नहीं दे दोस्तों में तेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अरे कोई नया बंदा जिससे बात करें वो लेकर आए, नीचे खड़ी कर दे ढक ढुका के, और फिर इनको सरप्राइज दे तो शायद हो जाए, शायद ही हो जाए, वरना तो सॉरी है मेरे तेज की क्यों आ रही है। दोस्तों शॉपिंग हो चुकी है, अभी चलते गाइस कुछ खाने चलते हैं ऊपर, यार बहुत भूख लग रही है। तू क्या लड़के कपड़े देख रहा है, देख रहा मैं तो परफ्यूम सूंघ रहा था। दोस्तों किया की पार्टी में सबको भूख लग रही है भाई, एकदम बहुत तेज, घर जाने की हिम्मत नहीं थी इधर इसलिए ऊपर आ गए। यार वो आज आंटी पार्टी मांग रही थी, तुम नई गाड़ी ले आए तक पार्टी नहीं दिए, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, वहाँ से आ जाए एक बार फिर पार्टी देखते हैं। भूख लग रही है इनको बहुत तेज, भूख लग रही है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। जो आपकी इच्छा थी ना खाने की, जो आप बोल रहे थे गाड़ी में, अरे नहीं आलू टिक्की स्पेशली करवाई है मैंने। बोल दी वो मैं, अरे मैं दीदी कर आया ऑर्डर, मैंने बोला था इसको ऑर्डर कर दिया। अच्छा उसका नाम बताओ, यहाँ पे अलग नाम है, आलू टिक्की है ही नहीं, आलू टिक्की के नाम से रुपए की शर्ट लगी है। भाई का रोज का है, भाई 1000 रुपए की शर्ट लगी थी, हार गए। दोस्तों फिर से एक भयंकर एंडिंग मिल चुकी है हमें, मजाक में से बोल दिया ले 1000 रुपए दूंगा पूजे, और तो सीरियस होकर बोल ले अभी कूद के बता दूंगा, देख लो कूद गया भाई। एक प्रदेश भी है ना क्या नाम से, वहाँ पे से कूदे ऊपर से पैसे और नहीं दे रहा, अरे भाई भाई शर्ट लगी थी उसके ऊपर से कूद जाए, उसके ऊपर पैर अड़ गया तो भाई आड़ा पैर नीचे चढ़ा तो बैठ भाई कैसे बैठा हूँ, कैसे भी बैठा भाई पैर अड़ा है। क्लीन लैंडिंग तो नहीं थी आपकी, क्लीन लैंडिंग तो नहीं थी, क्लीन लैंडिंग नहीं तो उसके ऊपर टच नहीं होना चाहिए, क्लीन लैंडिंग तो थी ना भाई, लग गए जो यार ऐसे मार चक्रों में गिरा के बैठ पड़ भी गए, हंस भी लिए हम और पैसे भी नहीं मिले थे अच्छी को भाई, इसने खुद नहीं, मैंने ऐसे मजाक में सबको बोला भाई कोई कूद के बता दो लो 1000 रुपए दूंगा, ये आया भाई साहब बोल ले ले ले, अरे वो जींस पहन रखी थी उसने थोड़ा, और मैं तो और भाई मैं तो आगे चला गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कूदेगा, ये लोग कैप्चर कर रहे थे, बहुत फन हो गया। सुन भाई वो चीज मत डालियो, डालेंगे प्री शूट कर रही है, अबे लाइट जलाना भानु एक बार, ये लाइट बंद करना, ये लाइट अच्छी लग रही है, इस फोन को लाइट की जरूरत है नहीं। अच्छा भाई ये रियलमी पर कौन सा फोन है, ऐसी सेक्सी पिक्चर्स आते हैं लो, भाई हमको शॉक हो गए थे कि भाई ये पिक्चर किसकी है, एक सेकंड रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरी लो लाइट पिक्चर्स में, थोड़ा दिमाग खराब, मेरी बात यही है देखो तुम्हें लो लाइट, उसके लिए तो कोई और फोन लॉन्च करना पड़ेगा भाई, देखो उसकी लो लाइट, हां ये तो मैंने देख ली, अच्छी फोटो थी, अरे ऐसा लग रहा था कैमरे से ली हुई है फोटोज, तुम लोग कर लो शूट कर लो, ये नाइट फोटो ले रहे हैं जैसे, ठीक है यार सुनो मेरा प्रेम रखा, हमारा प्यारा सा जयपुर, ब्यूटीफुल सा जयपुर, गाइस ये तेजी की फोटो देख लो यार सच में लो लाइट कैमरा, सॉरी बोल दी मैं लो लाइट कैमरा, अरे वो हैंग तो नहीं हो गया देख कैमरा।